हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कुछ स्टॉक्स जो हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं और प्रॉफिट कमाने का एक अच्छा मौका दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूअर से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे चल के देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे कौन से स्टॉक्स वो हैं जो हमें लगता है कल एक बढ़िया मोमेंटम दिखाकर प्रॉफिट कमाने का मौका दे सकते हैं। जो पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है एसीसी। एसीसी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो जो 15:40 का जो जोन है यह यहाँ जोन बनाया है। इस जोन के आसपास जब भी एसीसी आता है इसमें एक रेजिस्टेंस नजर आता है। लास्ट टाइम इस जोन को नवंबर के सीरीज में इसने क्रॉस करने का ट्राई किया था लेकिन स्टॉक यहां पे टिक नहीं पाया और स्टॉक में फिर से एक बार जोरदार गिरावट आ गई। अब इस लेवल को एसीसी ने करीब 3 से 4 बार टेस्ट किया है लास्ट 3 मंथ्स में। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इस लेवल को एसीसी क्रॉस करता है तो एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड बन सकता है। 1555 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय करके चलेंगे। टारगेट्स होंगे 1560, सेकंड टारगेट्स 1566 और थर्ड टारगेट होगा 1574 का। स्टॉप लॉस लगेगा 1548 का। अगर 1566 के ऊपर स्टॉक क्लोज होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो फिर हम इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। रिस्की ट्रेडर्स पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बस अपना स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल कर लीजिए। लेकिन अगर कल के सेशन में अगर यहाँ बिकवाली आती है और 1540 के नीचे स्टॉक आता है तो एक सेल करके चलेंगे। उस केस में टारगेट्स होंगे 1535, 1528 और 1520 के। स्टॉप लॉस रहेगा 1547 का। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मैं कहूंगा 1 या 2 दिन के लिए अगर स्विंग ट्रेडर्स हैं आप, और अगर सेल साइड के लिए ये 1528 या मैं कहूंगा सेफर साइड 1525 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है तो फिर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं पोजीशन को। स्टॉप लॉस आपका मूव कर लीजिए बाइंग प्राइस के नीचे, सॉरी सेलिंग प्राइस के नीचे रहेगा और फिर आप वहां से स्टॉक को ट्रेल कर सकते हैं। 1500 या 1480 तक स्टॉक जाते हुए नजर आता है लेकिन कंडीशन होगी कि 1525 के नीचे ही स्टॉक क्लोज हो तो ही इसको आगे आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए। सेकंड स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज एक बहुत ही बढ़िया लेवल के आसपास आ गया है जो है 200 का लेवल। ये एक ऐसा लेवल है जहां पर एक्साइड इंडस्ट्रीज ने करीबन अक्टूबर के मंथ से लेकर अभी तक 4 से 5 बार अटेम्प्ट किया है और हर बार जब भी इस लेवल के आसपास आता है ये फिजल आउट हो जाता है, ऊपर जाने में ये फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आता है और स्टॉक यहाँ से सीधा नीचे आ जाता है। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर स्टॉक आया था, यहाँ से स्लाइड डाउन नीचे हुआ, फिर ऊपर कोशिश जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर एक और बार अटेम्प्ट किया, फिर नीचे और वापस से 4थी बार अटेम्प्ट कर रहा है। तो अगर कल डिसाइसिवली ये क्रॉस कर पाता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, 201 के ऊपर निकलेगा तो बाय करके चलेंगे। टारगेट्स होंगे 204, सेकंड टारगेट 207 और थर्ड टारगेट 210 का। स्टॉप लॉस आएगा 199 का। अगर 198 के नीचे आता है और अगर ये मोमेंटम जो इसका है वापस इसको रेजिस्टेंस लगता है, फिजलड होता है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 198 के नीचे ही बेचना है, उसके पहले नहीं बेचना है और वो भी आकर थोड़ी देर सस्टेन हो तो एक सिंगल स्पाइक पर नहीं बेचना है। 195 फर्स्ट टारगेट होगा, 192 सेकेंड टारगेट और 189 हमारा थर्ड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आएगा 200 का। एक्साइड इंडस्ट्रीज में एक चीज कहना चाहूंगा, इसकी मूवमेंट काफी स्लो होती है तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि स्टॉक बहुत तेज भागेगा। तो जैसे जैसे स्टॉक अगर आपके डायरेक्शन में जाए तो आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव करते रहिए और शॉर्ट प्रॉफिट्स बुक करते रहिए। जो हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये है मुंबई में 1st and 2nd February को है। मॉर्निंग 9 AM टू 5:30 PM होगा जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी देते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, ट्रेडिंग सेटअप किस तरह से होना चाहिए, गैप अप गैप डाउन किस तरह ट्रेड करना चाहिए क्योंकि आज का रिजल्ट सीजन चल रहा है तो रात को रिजल्ट्स कुछ और आते हैं या एक दिन पहले रिजल्ट्स कुछ और आते हैं और नेक्स्ट डे स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है और उसको किस तरह से ट्रेड किया जाता है तो ये हम लोग सिखाते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद होता है, काफ़ी लोग इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं और मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है HDFC बैंक पर, मैंने पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि मैंने HDFC बैंक में किस तरह से पैसे बनाया है, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा जो रिसेंटली मैंने अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने उसको मिस किया है तो आप यहां पर ऊपर एक लिंक फ्लैश होगी वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि HDFC बैंक में एक्चुअली अच्छे नतीजे आने के बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई। तो ये सब चीजें सिखाते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में। बहुत लिमिटेड सीट्स बची हैं मुंबई के लिए, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर है, इस डिस्काउंट प्राइस पे शायद ही कोई आपको सिखाता होगा। तो अगर आप और जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो हमारे मोबाइल नंबर पर या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को डेली चार्ट पे देखेंगे तो
यहाँ पर इंडसइंड बैंक पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से मैं कहूंगा कि ये 1320 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर जा नहीं पाता है और स्टॉक नीचे आने लग आकर 1320 के आसपास अटकते हुए नजर आ रहा है। इसको ये ब्रेक नहीं कर रहा है तो बहुत बढ़िया सपोर्ट बन रहा है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये बाउंस करता है तो एक शॉर्ट टर्म का बाउंस बैक ट्रेड होगा। 1345 के ऊपर बाय करके चलेंगे, 1352 फर्स्ट टारगेट, 1360 सेकंड टारगेट और 1370 का थर्ड टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगेगा 1340 का। अगर सेल करना है तो 1315, जैसे ये सपोर्ट टूटेगा उसके बाद ही सेल करना है, थोड़ा वेट करना है, स्टॉक को देखना है। 1315 के नीचे अगर स्टॉक आएगा तो सेल करके चलेंगे, 1308 फर्स्ट टारगेट, 1300 सेकंड टारगेट और 1286 मेरा थर्ड टारगेट होगा। ये काफी लंबा टारगेट है लेकिन मुझे लगता है कि अगर 1300 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये थर्ड टारगेट बहुत ही इजीली अचीव कर लेगा, लेकिन स्टॉप लॉस उस केस में होगा 1321 का। अगर 1300 के नीचे स्टॉक क्लोज करता है तो पोजीशन आप लेके जा सकते हो आगे, फिर स्टॉक आपको नीचे के लेवल दिखा सकता है, स्टॉक बहुत तेजी से स्लाइड होगा नीचे की तरफ और शायद से 1286 ये हमारा इमीडिएट टारगेट होगा और उसके बाद 1275 और 1260 के टारगेट भी मुझे नजर आते हैं। कंडीशन 1300 के नीचे स्टॉक जाना चाहिए। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं पोजीशन को, जस्ट मेक श्योर कि आप आपका स्टॉप लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस के नीचे ले लीजिए, जिससे कि अगर स्टॉक उल्टा घूमेगा तो आप प्रॉफिट में निकल जाओ। आखिरी स्टॉक जो शॉर्टलिस्ट किया है ये है BPCL। देखिए BPCL में एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये पैटर्न इस तरह का है कि देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी BPCL आता है अपने आप को इसको रुकावट महसूस होती है, इसको रेजिस्टेंस महसूस होता है, स्टॉक यहाँ से नीचे आता है। आज काफ़ी अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है क्योंकि क्रूड ऑयल में एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्डअप हुआ था, क्रूड ऑयल काफ़ी गिरा था कल, उसकी वजह से आज एविएशन स्टॉक्स, ये मैं कहूँगा बाकी के भी जो OMCs हैं इसमें भी काफ़ी आज अच्छा उछाल दिखाई दिया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर क्रूड ऑयल में और दबाव बनता है आज, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 475 के ऊपर बाय करेंगे, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा 480 का, सेकेंड टारगेट 485 और थर्ड टारगेट होगा 490 का, स्टॉप लॉस लगेगा 470 का। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा प्रेशर बिल्ड होता है तो हम 465 के नीचे स्टॉक को सेल करेंगे, 460 फर्स्ट टारगेट होगा, 455 सेकंड टारगेट होगा और 450 हमारा थर्ड टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगेगा 470 का। अगर स्टॉक 490 के लेवल्स क्रॉस करके सस्टेन करता है अपने आप को तो मैं कहूंगा कि यहाँ से स्टॉक में एक नई मूव स्टार्ट होगी जो कंटिन्यू होगी 500 के लेवल्स के ऊपर। जैसे ही स्टॉक 500 के लेवल्स क्रॉस करेगा उसके बाद स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट नजर आएगी और 500 के बाद जैसे साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा इसके बाद स्टॉक अगर ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक आपको यहां से एक बड़ी बड़ी छलांग लगाते हुए नजर आएगा जो 510 और 520 के लेवल तक भी जा सकता है। लेकिन जो भी मैं लेवल्स बता रहा हूँ वीडियो में ये इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोजिशनल बेसिस पर इस लेवल्स को फॉलो कीजिए। देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो होता है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके लेवल्स, उसके चार्ट देखने का नजरिया अलग होता है, इंट्राडे का चार्ट अलग होता है और स्विंग ट्रेडिंग देखने का चार्ट का नजरिया अलग अलग होता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आप किस तरह के प्लेयर हैं। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको छोटे छोटे 0.5% 1% या 1.5% का टारगेट सफिशियंट होता है, क्योंकि एक दिन में अगर आपको 0.5% मिल रहा है तब भी काफ़ी है। वही सी जगह अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अगर 8-10 दिन में 15 दिन में या कहूँगा मैक्सिमम 2-3 हफ्ते में अगर आपको 3-4% का रिटर्न मिल रहा है तो वो रिटर्न बुरा नहीं है, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आप कहीं पर पैसा लगाते हैं, किसी बैंक में डालते हैं तो आपको एक साल का रिटर्न जो है करीबन 7-8% के आसपास मिलता है। तो जो भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिनको दिन भर में मार्केट को देखते नहीं आता है, उनको लगता है कि बहुत वोलेटाइलिटी है और हम लोग इसको नहीं झेल पाएंगे, आप चार्ट सीखिए, मार्केट को समझिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिए, 3-4% का गोल रखिए, टारगेट रखिए अपना कि 3-4% हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा और उस तरह से मार्केट को ट्रेड कीजिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा वीडियो खत्म होने से पहले कि HDFC बैंक जो है काफी अच्छे लेवल्स पर है, इस लेवल्स पे अगर HDFC बैंक में आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करेंगे तो HDFC बैंक यहां से एक बाउंस बैक देने के लिए तैयार हो रहा है। काफी अच्छी गिरावट आ चुकी है रिजल्ट्स के बाद, स्टॉक नीचे की साइड में कंसोलिडेट भी हो गया है। अगर थोड़ा भी बैंक निफ्टी और ग्लोबल सेंटीमेंट सुधरते हैं तो HDFC बैंक एक ऐसा बैंक रहेगा जो बहुत तेज ऊपर की तरफ भागेगा। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आपको थोड़ा लंबी अवधि के पैसा लगाना है तो आप HDFC बैंक पे जरूर नजर बनाकर चल सकते हैं। मैं पर्सनली जब भी HDFC बैंक काफी गिरता है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं उसमें लॉन्ग टर्म होराइजन से उसको देखता हूं। तो इस लेवल पे काफी अच्छा है HDFC बैंक, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेवल्स को देख सकते हैं,
चार्ट्स को रीड कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थे वो स्टॉक्स जो हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं और प्रॉफिट बनाने के लिए एक अच्छा मौका दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।